दोस्तों, अस्थमा एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है। इसकी वजह से हमारी सांस की नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं, हमारे एयरवेज कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और हमें सांस खींचने और सांस को छोड़ने में काफ़ी तकलीफ होती है। और छाती में बलगम भर जाने की वजह से वीजिंग साउंड, विसलिंग साउंड यानी सीटी जैसी आवाज़ आना या छाती में गड़गड़ जैसी आवाज़ आना, ऐसे लक्षण हमारे अंदर आ सकते हैं। दोस्तों, शायद आपने यह सुन भी रखा होगा कि अस्थमा का इलाज संभव नहीं है, लेकिन होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की मदद से आप अस्थमा को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, ओनर फाउंडर गढ़वाल होम्योपैथी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी दवा के बारे में जो अस्थमा में किसी रामबाण से कम नहीं है। दोस्तों, अस्थमा एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है। इसकी वजह से हमारी सांस की नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं, हमारे एयरवेज कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और हमें सांस खींचने और सांस को छोड़ने में काफ़ी तकलीफ होती है। यह समस्या छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी भी उम्र में हो सकती है। दोस्तों, शायद आपने यह सुन भी रखा होगा कि अस्थमा का इलाज संभव नहीं है, लेकिन होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की मदद से आप अस्थमा को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो होम्योपैथी में किसी भी बीमारी की कोई फिक्स दवा नहीं होती, क्योंकि होम्योपैथी में इलाज बीमारी के आधार पर नहीं, मरीज के लक्षणों के आधार पर होता है और एक ही बीमारी के लक्षण अलग अलग मरीजों में अलग अलग होते हैं। इसके बारे में दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, अब वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ अस्थमा में ही इस्तेमाल की जाती है। इस दवा का नाम है ब्लाटा ओरिएंटलिस। यह दवा दोस्तों इंडियन कॉकरोच से बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि ब्लाटा ओरिएंटलिस दवा के क्या क्या लक्षण हैं और किन लक्षणों पर हम ब्लाटा ओरिएंटलिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार हम अस्थमा के पेशेंट्स में देखते हैं कि उनको बारिश के मौसम में या वातावरण में थोड़ी सी नमी हो जाने पर या रात को जैसे ही मौसम ठंडा होता है तो उनको बहुत तेज दम घुटने वाली खांसी होती है। खांसी के साथ छाती में जकड़न होने लगती है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे सांस बिल्कुल ही नहीं आ रहा और खांसी के साथ पीला पस जैसा बलगम निकलना शुरू हो जाता है और ये बलगम इस तरह का होता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकलता है और ऐसा लगता है कि छाती में बलगम जैसे भर गया। और छाती में बलगम भर जाने की वजह से वीजिंग साउंड, विसलिंग साउंड यानी सीटी जैसी आवाज़ आना या छाती में गड़गड़ जैसी आवाज़ आना, ऐसे लक्षण हमारे अंदर आ सकते हैं। और जैसे ही पेशेंट लेटता है तो मरीज की जो खांसी और जो सांस की दिक्कत है वो बढ़नी शुरू हो जाती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगता है, ऐसे लक्षण हमने अस्थमा में जरूर देखे होंगे। ऐसी स्थिति में होता क्या है दोस्तों कि पेशेंट को थोड़ा सा भी चलने पर मरीज का सांस फूलने लगता है और कुछ गर्म ड्रिंक जैसे पानी, चाय, कॉफ़ी, कुछ भी अगर वो गर्म लेता है तो उसको खांसी या सांस की जो दिक्कत है उसमें इंस्टेंट रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और सुबह के टाइम पे जैसे ही धूप निकलने शुरू हो जाती है तो पेशेंट को थोड़ा बेटर फील होता है, पूरा दिन पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही रात होती है मौसम टेम्परेचर में चेंज आता है तो अस्थमा के लक्षण जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके अंदर ऐसे ही लक्षण हैं तो ब्लाटा ओरिएंटलिस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस दवा को कौन सी पावर में हमें कितने समय तक लेना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो अस्थमा का इलाज कम से कम 6 महीने तक चलता है क्योंकि यह जल्दी से खत्म होने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन कई बार ट्रीटमेंट के दौरान हमें अचानक से अस्थमा का अटैक आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमें ब्लाटा ओरिएंटलिस को मदर टिंचर की फॉर्म में लेना चाहिए। दोस्तों, इस दवा की 5-5 बूंदें हर 10 मिनट के अंतराल से गर्म पानी के अंदर आपको सिप सिप करके पीना चाहिए जब तक आपको पूरा आराम न मिले। दोस्तों, और अगर आप परमानेंट ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं अस्थमा के लिए, आप परमानेंटली रिमूव करना चाह रहे हैं अस्थमा को, तो ऐसी कंडीशन में आपको ब्लाटा ओरिएंटलिस 200 पावर में इस्तेमाल करनी चाहिए। सुबह और शाम एक एक बूंद आप डायरेक्ट जीप पर ले सकते हैं। दोस्तों, एक बात का आपको और खास ध्यान रखना है कि कई बार डॉक्टर आपके लक्षणों के आधार पर और भी दवाई आपको इस बीमारी के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इस दवा के कोई साइड इफेक्ट ना हो और आप जल्दी से रिकवर हो सके। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना इलाज किसी होम्योपैथी डॉक्टर की देखरेख में ही करवाएं।
आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ लाभ हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए। दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए और मेरी वीडियोज़ को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।